दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे भर्ती की बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती पहले भी आ चुकी है। इसमें हम आपको जोन वाइज वैकेंसीज की जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो बाकी की जानकारी है इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, वो भी हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप हिंदी या अंग्रेजी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10+2 यानी कि 12th और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट इसमें निकली है। आप अप्लाई कर सकते हो, 12वीं क्लास पास हो या फिर ग्रेजुएट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 मार्च यानी कि कल से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 31 मार्च 2019 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट इसमें निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है और किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकली है, डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में प्रत्येक पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपका चयन किया जाएगा, कैसे आप इस भर्ती के लिए सिंपली ऑनलाइन आवेदन स्टेप वाइज कर सकते हो, पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया गया है। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोनों पीडीएफ हमने अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है, वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में जानकारी देंगे कि कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहां पर दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको नोटिफिकेशन से इसकी डिटेल्स जानकारी दिखाएंगे। या दोस्तों, एनटीपीसी 10+2 यानी कि 12वीं क्लास और ग्रेजुएट लेवल की वेरियस पोस्ट निकली है। पोस्ट आप यहां पर देख सकते हो, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। ये इसमें पोस्ट निकली है सभी जोन के लिए। टोटल 35,277 खाली पद है। वहीं बात सैलरी की जाए तो 19,900, 21,700, 25,500, 29,900, 35,400 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो 12वीं क्लास पास और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ वैकेंसी जिसमें 12वीं क्लास पास के लिए और कुछ वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल के लिए है, वो भी हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि 12वीं क्लास पास के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है और ग्रेजुएट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो 12वीं क्लास पास के लिए आयु की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। आयु 18 से 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है और 18 से 33 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 18 से 35 एससी एसटी के लिए है, 18 से 45 पीडब्ल्यूडी के लिए है। वहीं बात ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की जाए तो आयु गणना सेम की जाएगी, 18 से 33 यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, 18 से 36 ओबीसी के लिए है, 18 से 38 एससी एसटी के लिए है और 18 से 43 वर्ष पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल या फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो यूआर या ओबीसी मेल के लिए ₹500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹250 है। जी हाँ दोस्तों, फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और चालान से भी जमा करा सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से और कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस से भी आप पेन स्लिप से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। इसी पोर्टल से आप किसी भी जोन पर आवेदन कर सकते हो। वहीं बात डेट की जाए तो आप यहां से देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 मार्च 2019 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मार्च 2019 है। फीस जमा करने की लास्ट डेट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन चालान से 5 अप्रैल 2019 है। वहीं बात फाइनल सबमिशन की जाए, जो आप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2019 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट भी जून से सितंबर 2019 है। तो चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको
हिंदी का नोटिफिकेशन दिखाएंगे, पूरी डिटेल्स हम आपको हिंदी के नोटिफिकेशन से देंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंग्लिश का भी डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जानकारी केवल हिंदी से देंगे, आप इंग्लिश की भी जानकारी चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो CEN 1/2019 का ये 2019 का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। भारतीय रेलवे ने, जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नया नोटिस जारी कर दिया है। विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटी NTPC पूर्व स्नातक एवं स्नातक स्तरीय के पदों की सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर भी ये डेट देख सकते हो, डेट की पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी 2019 थी। पंजीकरण करने की ऑनलाइन यहाँ पर डेट दी गई है, 1 मार्च से 31 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ से आप देख सकते हो फी जमा करने के लिए यहाँ पर डेट दी गई है, जो आप यहाँ से पूरी रीड कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट भी हमने आपको यहाँ से डिटेल्स में दे ही दी। साथ साथ जैसे आप इस पेज को स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। आप 12वीं स्तर के लिए सबसे पहले आप यहाँ से वैकेंसीज देख सकते हो। कनिष्ठ लिपिक सह टंकक के लिए यहाँ पर सैलरी 19,900 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी और वैकेंसीज की बात की जाए तो 4,319 है। लेखा लिपिक सह टंकक के लिए यहाँ पर 760 खाली पद है, सैलरी 19,900 है। कनिष्ठ समयपाल के लिए 19,900 यहाँ पर सैलरी है, 17 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश में भी ये पद देख सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, जो मैंने आपको थर्ड नंबर की जॉब बताया, और ट्रेन लिपिक जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेन कलर का है, इसके लिए यहाँ पर 19,900 सैलरी है, तो 542 वैकेंसीज है। वाणिज्य सह टिकट लिपिक, इंग्लिश में इसके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोलते हैं, 21,700 सैलरी है, 4,940 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 12वीं क्लास पास के लिए यहाँ पर टोटल 10,628 खाली पद है। उसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल के चेक कर सकते हो। यातायात सहायक, जैसे कि यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हो, ट्रैफिक असिस्टेंट यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए सैलरी 25,500 से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, 28 यहाँ पर टोटल पद खाली है। गुड्स गार्ड्स के लिए देख सकते हो, जो कि यहाँ पर गुड गार्ड दिया गया है, 29,200 सैलरी है, यहाँ पर टोटल रिक्ति 5,748 है। वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक, यानी कि आप देख सकते हो सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए सैलरी 29,200 है, 5,638 खाली पद है। वरिष्ठ लिपिक सह टंकक के लिए यहाँ पर देख सकते हो, जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, इसके लिए टोटल यहाँ पर 2,873 वैकेंसीज है, सैलरी 29,200 प्रोवाइड की जाएगी। कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक के लिए यहाँ पर प्रारंभिक वेतन 29,200 है, वैकेंसी 3,164 है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर पोस्ट की बात की जाए तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और जो 6 नंबर पर है सीनियर टाइम कीपर, हिंदी में आप इसको देख सकते हो वरिष्ठ समयपाल, इसके लिए सैलरी 29,200, टोटल 14 पद खाली है। वाणिज्य प्रशिक्षु आप यहाँ पर देख सकते हो, कमर्शियल अप्रेंटिस है, इसके लिए टोटल यहाँ पर 259 खाली पद है। स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर सैलरी 35,400 है और वाणिज्य प्रशिक्षु के लिए भी 35,400 है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए टोटल 6,865 पद खाली है। कुल मिलाकर बात की जाए तो 24,649 ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी कर दी गई है और 12वीं क्लास लेवल के लिए देख सकते हो 10,628 वैकेंसीज है। टोटल हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता ही चुके हैं, 35,000 से ज्यादा पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करने के लिए यहाँ पर डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी जोन वाइज वैकेंसी चाहिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस पेज के एंड में आप जैसे ही जाओगे पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो इसमें आपको इसकी जोन वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी इसी PDF में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो जोन वाइज वैकेंसीज का ये पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर अहमदाबाद की जोन के लिए वैकेंसीज देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दी गई है। अहमदाबाद के लिए यहाँ पर देख सकते हो टोटल कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए टोटल पद 8 है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जोन के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो। हम आपको टोटल की जानकारी देंगे कि किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे कि UR, SC, ST, OBC, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आसानी से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद जोन के अंतर्गत हम आपको सबसे पहले वैकेंसीज की जानकारी देंगे। स्टेशन मास्टर के लिए टोटल 290 पद खाली है। गुड्स गार्ड के लिए यहाँ पर 44 पद है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए देख सकते हो एक और 123 वैकेंसीज है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए टोटल 126 यहाँ पर खाली पद है। कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 282 खाली पद है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 120 पद खाली है।
ट्रेंस कलर के लिए 27 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 1024 वैकेंसी यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद के लिए निकली है। यूआरएससी एसटी ओबीसी के लिए आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अजमेर जोन के लिए आप देख सकते हो, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 17 पद खाली है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। स्टेशन मास्टर के लिए 560 है, गुड्स कार्ड्स के लिए 178 है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 242 है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 125 और 8 यहाँ पर दिए गए हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 233 है, कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 157 है, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के लिए 24 पद यहाँ पर खाली है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 20 यहाँ पर दिए गए, आप चेक कर सकते हो। टोटल 1773 वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर सकते हो और साथ साथ कैटेगरी वाइज भी वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। हम आपको टोटल जोन की जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद में टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4099 पद यहाँ पर इलाहाबाद जोन के लिए खाली, आप पोस्ट वाइज यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जोन है बेंगलोर का, इसके लिए टोटल पद की बात की जाए तो 2470 खाली पद है, आप वीडियो को पॉज करके पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है भोपाल जोन, इसके लिए टोटल आप यहां से देख सकते हो 997 पद खाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट है भुवनेश्वर, इसके लिए टोटल 498 पद खाली है, आप यहां से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आरआरबी बिलासपुर के लिए देख सकते हो, टोटल 1207 पद यहाँ पर खाली है। उसके बाद नेक्स्ट है जो, उसके लिए चंडीगढ़ के लिए देख सकते हो, टोटल 2483 पद खाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई, उसके लिए टोटल 2694 पद खाली है, आप पोस्ट वाइज यहीं से चेक कर सकते हो। गोरखपुर के लिए टोटल 1298 पद खाली है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे गुवाहाटी के लिए टोटल 851 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप श्रीनगर और जम्मू के लिए देख सकते हो, टोटल 898 पद है। उसके बाद नेक्स्ट कोलकाता के लिए देख सकते हो, कोलकाता के लिए 2949 पद खाली है। उसके बाद आरआरबी मालदा के लिए देख सकते हो, टोटल 1043 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। मुंबई के लिए टोटल देख सकते हो 3665 पद खाली है। मुजफ्फरपुर के लिए देख सकते हो 329 पद खाली है और आरआरबी पटना के लिए टोटल 1039 पद खाली है और यहाँ पर आरआरबी रांची के लिए देख सकते हो 1386 पद खाली है। आरआरबी सिकंदराबाद के लिए देख सकते हो 3234 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, सिलीगुड़ी के लिए 443 पद खाली है, तिरुवनंतपुरम के लिए 35277 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी तिरुवनंतपुरम के लिए यहाँ पर 35000 पद दिए गए हैं। टोटल यहाँ से आप जोन वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। ये जोन वाइज हमने आपको 21 जोन है जो सभी की जानकारी हमने आपको यहाँ से डिटेल्स में दी। आप वीडियो को पॉज करके पोस्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा तिरुवनंतपुरम जोन में वैकेंसीज निकली है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी वैकेंसीज की जानकारी। उसके बाद यहाँ पर आप और भी इसमें जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो भर्ती प्रक्रिया की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, केवल एक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। एग्जाम पैटर्न, परीक्षा अवधि यहाँ पर 90 मिनट दी गई है। सामान्य जागरूकता के लिए 40 यहाँ पर है और गणित के लिए 30, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए 30, तो टोटल प्रश्नों की संख्या 100 यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न दिया गया है। इसका सिलेबस आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके डिटेल्स में पढ़ सकते हो। जैसे कि गणित के लिए सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए आप यहाँ से रीड कर सकते हो, सामान्य जागरूकता के लिए आप यहाँ से पूरा रीड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से रीड कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हो। जो द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी उसके लिए भी आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न 90 मिनट का है और सामान्य जागरूकता 50 यहाँ पर टोटल प्रश्न है, गणित के लिए 35 है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए 35, तो टोटल 120 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी आप यहाँ पर गणित के लिए पूरा सिलेबस रीड कर सकते हो, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए भी और सामान्य जागरूकता के लिए भी आप इसी तरह से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, बाकी की जानकारी आप इन्हीं पीडीएफ से चेक कर सकते हो। हिंदी की पीडीएफ ये यहाँ पर आप देख सकते हो और साथ ही साथ जो कि इंग्लिश की पीडीएफ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ना अनिवार्य है, तभी आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये हिंदी प्लस इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज के एंड में आप यहां पर देख सकते हो नोटिफिकेशन पीडीएफ हिंदी की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये हिंदी की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ यहीं पर इंग्लिश पीडीएफ की टैब भी दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये इसकी इंग्लिश की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लैंग्वेज से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो ये ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आरआरबी रिक्रूटमेंट की बड़ी भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। 12वीं और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।